हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमिट्स मेंटर। सो आज एक नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिल जाते हैं, बिट सेट वगैरह का एग्ज़ाम, जी मेन्स, जी एडवांस मेन्स के एग्ज़ाम में तो मिल ही जाते हैं, परमोटेशन और बैंक पी वगैरह के एग्जाम में मिल जाते हैं परमोटेशन के क्वेश्चंस। वैसे तो हम 11th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अरेंजमेंट के क्वेश्चन मोस्टली सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपने परमोटेशन तो सीख ही लिया है लास्ट लेक्चर्स में कि परमोटेशन होता क्या है, लेकिन आज कुछ स्पेशल टाइप का देखना है हमें परमोटेशन में। वैसे तो हमने क्या देखा, जैसे देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। परमोटेशन में हमने देखा कि जैसे आपको पांच बंदे प्रोवाइड किए जाते हैं, पांच आदमी आपके पास, आपको उनको लाइन में खड़ा करना है, तो उनको कितने तरीके से लाइन में खड़ा कर सकते हो, तो उस टाइप की अरेंजमेंट सीखी थी हमने सबसे स्टार्टिंग में कि मेरे पास पांच बंदे हैं, मैं उन पांच बंदों को लाइन में कैसे खड़ा कर सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऐसा था कि एक बंदा अगर फर्स्ट पोजिशन पर खड़ा होगा, जैसे देखो पाँच बंदों को लाइन में खड़ा करना है, पाँच बंदों को इस लाइन में खड़ा करना है, ये एक दो तीन चार पाँच, ये लाइन आपके पास, ये लाइन है एक दो तीन चार पाँच, इन पांच पोजीशंस पे पांच बंदों को खड़ा करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे एक बंदा आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास पांच मैन है, तो पांच मैन के लिए सबसे पहले एक बात देखो, पांच मैन के लिए कितनी पोजीशंस आपके पास, पांच पोजीशंस है, मतलब पहला आदमी कितनी पोजीशंस किसी भी एक पे खड़ा हो जाएगा, किसी भी एक पे आके खड़ा होगा, मतलब उसके लिए कितनी पोजीशंस है, टोटल पांच, लेकिन वो जब यहाँ पे आके खड़ा हो गया एक बंदा, बंदे कितने बच गए, चार। ठीक है ना, अब अगले जो अगला बंदा है उसके लिए पोजीशंस कितनी बचगी, उसके लिए पोजीशंस बचगी चार, एक पोजीशन कम होगी क्योंकि पहली पोजीशन पे तो एक बंदा ऑलरेडी खड़ा है, तो जो सेकंड पोजीशन है ना, जो भी सेकंड पोजीशन है वो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है कम्प्लीटली फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बंदा न हो तब उसके पास वापस से पांच पोजीशंस हैं। अगर ऐसा होता कि भाई इस बंदे को आप कंसीडर ना करो कि यहाँ पे खड़ा है, तो फिर से जो दूसरा बंदा है ना उसके पास फिर से पांच पोजीशन है। आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करके आए थे लास्ट लेक्चर्स में, देखना यहाँ पे आई टैब के ऊपर आपको मिल जाएंगे फर्स्ट लेक्चर्स। तो देखो आपने क्या किया था कि मेरे पास पांच बंदे हैं, ठीक है, मेरे पास पांच बंदे हैं, मैं पांच बंदे बना देता हूँ, मेरे पास पांच बंदे, पहला बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, पहले बंदे के पास कितनी चॉइसेस हैं, पांच चॉइसेस हैं, वो किसी भी एक जगह पे खड़ा हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच, मेरे पास ये पांच प्लेस है, यहाँ पे कहीं पे भी वो पहला बंदा खड़ा हो सकता है, लेकिन जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये एक प्लेस को फिल कर देगा। ठीक है ना, फिर दूसरे बंदे की बारी आएगी, उस बंदे के लिए कितनी जगह अवेलेबल बची है, देखो इस बंदे के लिए पांच जगह अवेलेबल थी, पांच की पांच खाली थी, ठीक है ना, लेकिन अब ये जब यहाँ पे खड़ा होगा, एक तो इसने फिल कर दी ना, एक को तो ये ऑक्युपाई कर चुका होगा, जब इसकी बारी आएगी तो जगह कितनी बचेंगी, चार बचेंगी। ऐसा नहीं बोल सकते आप इस बंदे के लिए भी पांच जगह खाली है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते इस बंदे के लिए भी पांचों जगह खाली है, इस बंदे के लिए भी पांचों जगह खाली है, इनके लिए एक एक जगह कम होती जाएगी, इसके लिए कितनी जगह बच जाएगी, चार, क्योंकि एक पे ये ऑलरेडी सेट हो चुका, फिर अगले पे ये सेट हो जाएगा एक और पे, फिर तीसरे बंदे के लिए कितनी जगह बचेंगी, तीन बचेंगी, क्योंकि दो तो ये पहले वाले फिल कर चुके होंगे, ठीक है ना, इस बंदे के लिए तीन जगह बची हुई होंगी जहां पे ये क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इस बंदे के लिए दो जगह बचेंगी, इस बंदे के लिए एक, यानी कि इस बंदे के लिए कितनी जगह अवेलेबल थी, पांच। तो देखिए एक एक सिचुएशन, सॉरी एक एक जो प्लेस है वो कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो सेकंड पोजिशन है ना, एवरी एक्सीडिंग पोजिशन जो मतलब कंडीशन है वो पहले वाली पे डिपेंड कर रही है, अगला बंदा जितनी पोजिशंस पे बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, वो परमोटेशंस, वो अरेंजमेंट्स, वो तरीके, वो वेज, नंबर ऑफ वेज उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं पहले वाले के ऊपर कि पहले वाले बंदा कितनी पे बैठ सकता था, क्योंकि वो एक फिल करके आ चुका, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो इनको कंसीडर नहीं करते डायरेक्ट, इसके लिए भी पाँच जगह, इसके लिए पाँच जगह, इसके लिए पाँच जगह। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वीडियो के अंदर मेरा ये एग्जाम्पल लेने का मेन मकसद क्या था, यही था कि आज मैं जो एग्जाम्पल करूँगा ना वो कुछ ऐसा करूँगा कि पहला बंदा आप उसको चॉइस दे देंगे, आप उसको ऐसा बोल देंगे कि तू यहाँ पे बैठ गया, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर से वो जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब हर बंदे के लिए वही जगह अवेलेबल है, यानी कि इसके लिए भी पांच की पांच जगह, इसके लिए भी पांच छो, इसके लिए भी पांच छो, यानी कि हम पढ़ेंगे परमोटेशन विद रिपीटेशंस, ठीक है ना, परमोटेशंस विद रिपीटेशन। तो इस रिपीटेशन वर्ड का आज यही मतलब है कि आप जो अरेंजमेंट्स करेंगे उनके अंदर रिपीटेशन को अलाउ करेंगे। अभी तक सारे क्वेश्चंस में आप रिपीटेशन को अलाउ नहीं कर रहे थे, और आपका ये जो
फार्मूला होता है जो NPR होता है, इसके अंदर भी आप रिपीटेशंस को अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। आप रिपीटेशन को अलाउ नहीं करते। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं, अरेंजमेंट किए हैं अभी तक जितने भी लेक्चर्स में, उसके अंदर भी आप रिपीटेशन को अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। ये विदाउट रिपीटेशन होता है। तो आज देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या लिख रखी है। वैसे तो ये थ्योरम बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए क्या लिख रखी है। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट होगी, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n क्या लेनी आपको, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। आपको n ऑब्जेक्ट दे दिया अगले ने, अभी तक भी n ही देता था। लास्ट लेक्चर में जब हम बेसिक जनरल फॉर्म समझ रहे होते थे तो n आपको ऑब्जेक्ट्स मिलती थी, उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो n ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, टेकन r एट ए टाइम, उनमें से कितनी एक साथ उठाई r को, n में से r चीज, जिसमें मेरे को 10 चीजें दी गई उनमें से मेरे को 4 को अरेंज करना है, ठीक है ना। मतलब साइमल्टेनियसली जितनी उठाई जाती है उनको बोला जाता है कि r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम। यहां तक तो स्टेटमेंट सेम होती थी, लेकिन यहां से चेंज हो जाती है Where repetition is allowed. अब की बार repetition क्या है? Allowed है, ठीक है ना? यानि कि पहला बंदा, उसके पास कितनी seats थी? 5 seats available थी। तो अगले बंदे के पास भी 5 की 5 available होगी। यानि कि एक seat पे दो बंदे बिठाएगा भी, ठीक है ना? तो मतलब statement कुछ ऐसी नहीं होगी कि एक seat पे दो बंदे बिठाएगा। क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के मिलेंगे जिनके अंदर रिपीटेशन अलाउड होगी, ठीक है ना। वो आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझना कि जिनमें रिपीटेशन अलाउड होगी ना, वो NPR से नहीं निकलेंगे। लास्ट अभी जो हम कर रहे थे, जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, वो आ रहे थे NPR। उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं, NPR हमने किए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या होंगे, वो n raised to power r, क्या होंगे अरेंजमेंट्स, n raised to power r। यानी कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको अरेंज करना है जिनमें से टेकन r एट ए टाइम, r को एक साथ उठाया है, तो आपको अरेंजमेंट करने के कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, परमुटेशंस कितनी आएगी, n रेज टू पावर r। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। वैसे भी बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स में बच्चे इसी बात के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं इस टाइप का एक एग्जांपल लेता हूँ रिपीटेशन का। जैसे कि आपके पास 7 रिंग्स हैं, आपके पास 7 रिंग्स हैं और उनको आपको 4 फिंगर्स में पहनाना है, 7 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहनाना है। तो वो पूछेगा कि कितने तरीके से मैं उन 7 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहना सकता हूँ। मेरे पास 7 रिंग्स हैं, 7 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग है, ठीक है ना, सारी की सारी। ये लगा लो कि इनका कलर अलग अलग है और मेरे पास 4 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4। मैं थंब को जो है वो रिगार्ड नहीं कर रहा, हम सिर्फ किस किस को लेके आ रहे हैं, अंडर मतलब फिंगर्स को रीड करें, ठीक है ना। 4 फिंगर्स को, हम थंब को नहीं ले रहे, ठीक है। तो 4 फिंगर्स के अंदर मेरे को 7 रिंग्स को पहनना है, तो मैं कितने तरीके से पहना सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बच्चे को पता तो होता है कि आंसर 7 रेज टू 4 आएगा या 4 रेज टू 7 आएगा, पक्का 7 की पावर 4 आएगा या 4 की पावर 7, लेकिन वो कन्फ्यूज हो जाता है, और कन्फ्यूज भी इस हद तक कि वो आंसर को गलत ही करके आता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आंसर क्या आ रहा होगा, लेकिन उसे पता तो होता है कि 4 की पावर 7 आएगा या 7 की पावर 4 आएगा, एक आएगा इनमें से पक्का, लेकिन वो करके गलती आता है क्योंकि उस टाइम पे समझ ही कुछ ऐसा था। ये क्वेश्चन क्विक मतलब रिस्पांस होते हैं, एकदम फटाक से रिस्पांस मिल जाता है इनका, अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझ के चले जाते हो तो, ठीक है ना। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझना। हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे अभी, रिंग्स और फोर फिंगर्स वाला एक क्वेश्चन लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन के अंदर हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को रीड करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें बताऊंगा। तो आपको वहां पे पता चलेगा कि आपको इस टाइप की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी कि आंसर को मतलब पावर के हिसाब से याद रखो कि इतने की पावर इतना है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझना, उसके हिसाब से अपना आंसर जज करना और निकालना, सोल्व करना, ठीक है। सो देखिए, आइए क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट समझा कि परमुटेशन विद रिपीटेशन, हम कैसे उस प्रॉब्लम को डील करेंगे कि आंसर 7 रेज टू पावर 4 आएगा या 4 रेज टू पावर 7 आएगा, जो बात हमने अभी अभी की है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तब हम 7 रिंग और 4 फिंगर्स का केस डिस्कस कर रहे थे। मैंने क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स। आप यहाँ पे 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी अभी क्वेश्चन लिखा था उसी को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। हमें कंसेप्ट को पता करना है कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो कि आंसर किस टाइप, मतलब जो आप सोचने के अंदर गलती करते हो कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पे आप बहुत सारे एक्स्ट्रा केसेस काउंट कर लेते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एक्स्ट्रा केस आप काउंट कर लेते हो, ठीक है ना। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको 7 डिफरेंट रिंग्स है, ठीक है ना, कैन बी वोर्न ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ ए हैंड, इन द 4 फिंगर्स ऑफ ए हैंड, ठीक है ना। कि 4 फिंगर्स आपके पास, इन 4 फिंगर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास कितने रिंग्स अवेलेबल हैं, 7 रिंग्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
इन सेवन रिंग्स को आपने इन फोर फिंगर्स के अंदर डालना है। तो वो पूछ रहे हैं कि कितने वेद से आप इन इस केस को, यानी कि मतलब इन परमुटेशंस को आप बता सकते हो कि कितने केसेज आएंगे, कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी। ठीक है, सो देखिए बच्चे कहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, मोस्टली सभी को पता होता है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं 7 raised to 4 आएगा या 4 raised to power 7 आएगा, यानी कि n की पावर r होता है ना, जो क्योंकि हमने बोला था जब हमने जनरल किया था, थ्योरम को पढ़ा था, तो हमने बोला था नंबर ऑफ परमुटेशन होता है n raised to power r, जहाँ पे n तो होता है नंबर ऑफ जितने आपको चीज़ें अरेंज करनी है, और आर होता है टेकन आर एट ए टाइम, उनमें से आर चीज़ें आपने एक साथ उठाई है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई यहाँ पे ये एन है और ये आर, आप इस चीज़ को जज ही नहीं कर पाते कि एन कौन सा है आर कौन सा है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम कंसेप्चुअली समझेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं ना उसको उठाइए, पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारा 4 raised to power 7 सही है या 7 raised to power 4 सही है, या दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं रीड करता हूँ आपके सामने जो केस आपका गलत डायरेक्शन में जाएगा, जो बच्चे मतलब मिस्टेक करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, क्या सोचने में करते हैं। ठीक है ना, सो देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने लेके चलता हूँ, दो टाइप से सोचते हैं बच्चे। ठीक है ना, दो टाइप से सोचते हैं, पता है कैसे सोचेंगे कि भाई ये जो फिंगर है ना, मेरे पास चार फिंगर्स हैं। ठीक है ना, ये जो मेरी फिंगर है इसके लिए कितने रिंग्स अवेलेबल हैं, देखिए ये जो मेरी फिंगर है इसके लिए कितने रिंग्स अवेलेबल है, 7 रिंग्स अवेलेबल है। ठीक है ना, उसके बाद सोचेगा कि इसके लिए कितने रिंग्स अवेलेबल है, 7 रिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद फिर से सोचेगा इसके लिए भी कितने रिंग्स अवेलेबल है, 7 रिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद सोचेगा कि इसके लिए भी कितने रिंग्स अवेलेबल है, 7 रिंग्स अवेलेबल है। ऐसे उंगलियों को मतलब, क्योंकि बच्चा दोनों टाइप से सोचता है। ठीक है ना, जैसे कि उन क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि 5 बंदे मेरे को खड़े करने हैं 5 जगह पे। ठीक है ना, तो वो ऐसे भी सोचता है कि पहले बंदे के लिए कितनी जगह अवेलेबल है, 5 जगह, दूसरे बंदे के लिए 1 कम हो जाएगी। वो ऐसे भी सोचता है कि ये जगह, वो जगह को भी लेके चलता है कि ये जगह इन 5 बंदे मतलब ये जगह कितने बंदों के लिए अवेलेबल है, ऑफ कोर्स 5 मेंस के लिए। ठीक है ना, तो वो दोनों टाइप से सोच के सेम रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाता है, इन केस ऑफ नॉट रिपीटेड, मतलब जहाँ पर रिपीटेशन नहीं होती। ठीक है ना, नॉन रिपीटेशन के केस में। ठीक है, लेकिन रिपीटेशन के केस में आप मार खा जाओगे, गलती कर जाओगे, मिस्टेक हो जाएगी छोटी सी, और आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर बच्चा सोचता है, मैं गलत केस ले रहा हूँ एक बार, अगर बच्चा सोचता है कि भाई ये फिंगर उठा के चलते हैं, हमारे पास 7 रिंग्स हैं। ठीक है ना, मेरे पास 4 फिंगर्स हैं, 7 रिंग्स हैं, इनको कैसे पहनूंगा। तो देखिए मैं पहली फिंगर को कंसिडर करता हूँ कि इस फिंगर के लिए मेरे पास कितनी रिंग्स अवेलेबल है, 7 रिंग्स अवेलेबल है, मैंने एक बार के लिए सोच लिया। ठीक है, इस फिंगर के लिए कितनी रिंग्स अवेलेबल है, 7, तो इस फिंगर में रिंग्स पहनाने के मेरे पास कितने वेज हो गए, 7 वेज, मैंने रख दिए 7 वेज होगी। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी फिंगर की बारी आती है कि इस फिंगर के लिए कितनी रिंग्स अवेलेबल है। तो एक बात सोच के देखो, एक जो रिंग है वो इस फिंगर के अंदर आ चुकी, क्या वो अब इसमें पहनाने की है, वो तो इसके अंदर आ चुकी, तो ये जो अगली 3 फिंगर्स में जो रिंग पहनाई जाएंगी, अगली 3 के छोड़ो, सेकंड फिंगर में जो रिंग पहनाई जाएगी वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है फर्स्ट फिंगर में कितनी तो रिंग पहना दी, 1 पहनाई 2 पहनाई, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई 1 के अंदर आप 1 से ज़्यादा नहीं पहना सकते। ठीक है ना, 1 के अंदर आप 7 की 7 भी डाल सकते हो, 2 भी 3 भी, आपकी मर्जी है। तो दूसरे वाली फिंगर को ये पहले पता करना पड़ेगा कि पहले फिंगर के अंदर कितनी रिंग डल चुकी, क्योंकि पहले फिंगर के अंदर जो ऑलरेडी रिंग है वो इसके अंदर तो आएगी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो आ चुकी, अब इन दोनों के अंदर जो आ चुकी, जब आप तीसरी फिंगर पर पहुँचोगे तो आप क्या कहोगे कि इसके लिए कितनी रिंग्स अवेलेबल है, 7, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत आपका। थोड़ा सा सोच के देखो, इनके अंदर जो रिंग डल चुकी वो इसके अंदर थोड़ी ना काउंट होगी, वो तो इनके अंदर पहना चुके आप। ठीक है ना, फिर फोर्थ फिंगर के ऊपर आओगे तो आप फिर से यही बोलोगे कि इसके लिए भी 7 रिंग्स अवेलेबल। अरे कैसे अवेलेबल हैं, आप इनके अंदर रिंग डाल के आ चुके, तीनों के अंदर 2 डाली आपने, 3 डाली, 1 के अंदर 7 की 7 डाल दी, कैसे भी करके आए आप। तो जब भी आप एक्सिट मतलब अगली फिंगर पे जाओगे ना, तो उससे पहले वाली फिंगर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंड करती है फर्स्ट फिंगर के, जो लास्ट फिंगर है आपकी, उससे पहले वाली फिंगर आपने डिस्कस की थी उसके ऊपर वो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, ऑलवेज। तो आपको क्या देखना है, तो देखिए जैसे आप अगर फिंगर्स को कंसीडर करके चलोगे, ठीक है ना, आप फिंगर्स को कंसीडर करके चलोगे कि ये फिंगर के लिए कितनी रिंग अवेलेबल है, 7, तो ये केस बिल्कुल ही मतलब गलत डायरेक्शन में जाता है, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये केस इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, दूसरी कंप्लीटली डिपेंड करती है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर मैंने कितनी रिंग डाली। ठीक है ना, कितनी रिंग डाली है तो पता ही नहीं कर सकते, 1 डाली 2 डाली, फिर 1 के हिसाब से इसके अंदर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप बहुत सारे केसेस मिस कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ वेज निकालने आपको, तो बहुत सारे वेज आप मिस कर दोगे, अरेंजमेंट्स बहुत सारे आप या तो ज़्यादा काउंट कर लोगे या फिर ऐसा बोलोगे मिस कर दोगे, कहने का मतलब आप गलत जा रहे हो। ठीक है ना, लेकिन देखिए दूसरे तरीके से,
अगर हम ऐसा बोलें तो अगर देखिए यही आंसर जो मैंने अभी भी डिस्कस किया इस टाइप से कि इस फिंगर के लिए कितने रिंग्स अवेलेबल हैं 7, इस फिंगर के लिए कितने अवेलेबल हैं 7, इस फिंगर के लिए कितने अवेलेबल हैं 7 और इस फिंगर के लिए कितने अवेलेबल हैं 7, तो बच्चा क्या करेगा 7 × 7 × 7 × 7 और 7 raised to 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। वो तो अपने मन से सोच के आ जाएगा कि हाँ इसके लिए 7 रिंग्स अवेलेबल, लेकिन सोच के देखो इसके लिए 7 अवेलेबल हैं, आपने जो भी इसमें डाल ली वो इसके अंदर थोड़ी ना आएगी, इसके अंदर कैसे बोल सकते हो कि 7 आएंगे, फिर नहीं बोल सकते ना। तो ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो आप। लेकिन अब आप सोचो, अब आप फिंगर्स को कंसीडर मत करो, अब आप आ जाओ रिंग्स के ऊपर, ठीक है ना, अब आप आ जाओ रिंग्स के ऊपर। आपके पास 7 रिंग्स हैं, ठीक है ना, उनमें से आपने एक रिंग उठाई सबसे पहले, उस रिंग के लिए आपके पास कितने फिंगर्स अवेलेबल हैं, 4 की 4 फिंगर्स अवेलेबल है ना, ध्यान से सुना, इस रिंग के लिए आपके पास कितनी फिंगर्स अवेलेबल है, मैंने एक रिंग उठा रखी हाथ में, इस रिंग के लिए मेरे पास कितनी फिंगर्स अवेलेबल है, 4 फिंगर्स, ठीक है ना। तो 4 की 4 फिंगर्स मैं किसी में भी पहना सकता हूँ, तो मेरे पास पहली रिंग को किसी भी उंगली में फिट करने की मेरे पास कितनी उंगली अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4 फिंगर्स अवेलेबल है ना, मेरे पास 4 फिंगर्स अवेलेबल है इस रिंग को पहनने के लिए। जब बात आएगी दूसरी रिंग के ऊपर, तो एक बात बताओ, ये दूसरी रिंग जब मैं पहनाऊंगा तो मैं ऐसा थोड़ी ना सोचूंगा कि जो पहली रिंग थी वो इस फिंगर में डली हुई है तो मैं दूसरी इसके अंदर नहीं डाल सकता, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना, मैं एक फिंगर के अंदर 2 रिंग डाल सकता हूँ आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 7 की 7 भी डाल सकता हूँ। तो एक बात सोच के देखो, जब बारी आएगी दूसरी रिंग की किसी भी फिंगर में सेट होने के लिए, तो हम पीछे वाली रिंग के ऊपर सोचेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं उसके ऊपर, ऐसा थोड़ी ना कि वो जिसमें डली हुई उसमें दूसरी रिंग नहीं आ सकती, ऐसा थोड़ी ना, हमको सिर्फ दूसरी रिंग देखनी है कि इस दूसरी रिंग के लिए कितने फिंगर्स अवेलेबल हैं, ऑफकोर्स फिर से 4, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 3 है क्योंकि उसके अंदर 1 आ चुकी, उसने बोला है कि भैया आप कितने भी डाल सकते हो, ठीक है ना, बस उसने ऐसा नहीं बोला कि आप एक फिंगर के अंदर एक ही रिंग डाल सकते हो बस, ठीक है। तो दूसरी रिंग के लिए भी कितनी फिंगर्स अवेलेबल आपके पास, फिर से 4, पहले वाले के ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैसे, तो सारी की सारी रिंग्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, पहली रिंग 4 फिंगर्स के साथ, दूसरी रिंग भी 4 फिंगर्स में किसी के अंदर भी जा सकती है, तीसरी रिंग भी 4 फिंगर्स में से किसी के अंदर भी जा सकती है, सभी के लिए 4-4 फिंगर्स अवेलेबल हैं बारी बारी, ठीक है ना। तो जब रिंग्स को कंसीडर करोगे ना, तो रिंग्स हैं एक दूसरे की बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जब आप फिंगर्स को कंसीडर करोगे ना तो वो डिपेंड करती हैं भाई एक दूसरे पे, कि इस फिंगर में अगर ये रिंग आ गई तो ये रिंग दूसरे फिंगर में थोड़ी ना आएगी, अब नहीं आ सकती ना, वो रिंग दूसरे फिंगर में नहीं जा सकती, तो उस फिंगर के लिए आप उस रिंग को कंसीडर कर ही नहीं सकते जो पहले वाले में जा चुकी, ठीक है ना। तो वो थे डिपेंडेंट केस, डिपेंड कर रहा था, तो उसमें आप उन केसेस को सोच ही नहीं पाओगे कंप्लीट कितने होते हैं, तो आप कैसे डिस्कस, मतलब आप कैसे इन चीजों को सोचोगे जो इंडिपेंडेंट केस बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको कभी भी चीजें मिले ना पहनाने की, टॉयज मिले बांटने के लिए, एप्पल्स मिलते हैं खाने के लिए, तो उनको सोचो, उनको उठाओ कि इस रिंग को, इस टॉय को कितने बच्चे ले सकते हैं, इस प्राइज को कितने बंदे ले सकते हैं, इस एप्पल को कितने बंदे खा सकते हैं, वो एप्पल 4 के लिए अवेलेबल है, अगला एप्पल भी 4 के लिए अवेलेबल है, अगला एप्पल भी 4 के लिए अवेलेबल है, बात समझ आई। तो आप देखिए, तो इस रिंग के लिए भी 4 की 4 उंगलियां फिर से अवेलेबल है, और इस रिंग के लिए भी 4 की 4 उंगलियां फिर से अवेलेबल है, और इस रिंग के लिए भी 4 4 4 4। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या बोलता है, जितने भी केसेस आपके पास आते हैं इंडिविजुअली सभी की क्या कर दो, इवेंट्स की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सभी की साइमल्टेनियस अगर नंबर ऑफ वेज निकाल लें, साइमल्टेनियसली कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, तो उस केस में उनका क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 7 टाइम्स, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 3 × 3 × 4 = 7 टाइम्स, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 raised to power 7 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज, जिन नंबर ऑफ वेज से आप 7 रिंग्स को 4 फिंगर्स के अंदर डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो या फिर पहना सकते हो, कैसे भी पढ़े, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ वैसा ही है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, आपके पास 5 एप्पल्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 आपके पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है ना, 5 एप्पल्स को आपको 4 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मैंने 4 बॉयज़ ले लिए, 4 बॉयज़ में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। There being no restriction to the number of apples each boy may get, ठीक है ना, कि apples के ऊपर कोई restriction नहीं है कि एक बच्चा कितने या फिर एक बॉय कितने एप्पल्स ले, चारों भी ले सकता है, एक के पास एक भी आ सकता है, 2 भी 3 भी, ठीक है ना। तो मेरे पास एप्पल्स है 5 और मेरे को 4 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ऐसे कितनी मैं अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ कि जिनसे ये 5 एप्पल्स इन 4 बॉयज़ में बढ़ सकेगी, यानी कि
कि या तो एक बंदे को ही पाँचों मिल जाए, एक बंदे को चार मिल जाए, उनमें से एक को एक मिल जाए, बाकी को जीरो जीरो, एक में एक को चार तीन एक, मतलब ऐसे करके सभी बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर, सभी बॉयज़ जरूरी नहीं सभी को, मतलब सारे एप्पल्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट, कि एक को कितने एप्पल मिलने चाहिए, ठीक है ना, या मतलब एक को एक मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक को ना भी मिले तो भी चलेगा, एक को ही पाँचों के पाँचों मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस हमें इकट्ठे करने कि टोटल कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। तो यहाँ पे फिर से बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि 5 raised to power 4 आएगा या 4 raised to power 5 आएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में रिंग और फिंगर्स के केस मैंने बोला था, हम उठा के चलेंगे रिंग्स को, तो यहाँ पे हम उठा के चलेंगे एप्पल्स को, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो चीज़ आपको डालनी थी वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे टॉयज आपको डिस्ट्रीब्यूट, आप टॉयज को उठा के चलो, आप यहाँ पे एप्पल को उठा के चलो, ठीक है ना। तो एक बात देखो, अगर मैं मैन को उठा के चलता हूँ, सिंपल सी बात, अगर मैं मैन को उठा के चलता हूँ, एक यहाँ पे इस मैन के लिए कितने एप्पल्स अवेलेबल हैं, 5 एप्पल्स आपने बोल दिया, ठीक है ना। इस मैन के लिए कितने एप्पल्स अवेलेबल है, ये जितने लेगा, एक लेगा दो लेगा, तो जब आप अगले बंदे पे जाओगे तो क्या ये बंदा इसके लिए वो एप्पल्स को ले, वो तो ये खा चुका, ख़त्म कर दिए इसने, इस ये बंदा अगर, एक बात देखो फिर से लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं रिपीट करता हूँ, जब मैं इस उंगली की बात कर रहा था तो इस उंगली में जो फिंगर, इस उंगली में जो रिंग डल चुकी है वो इसमें थोड़ी ना डल सकती है। तो सेम इस बंदे ने मान लीजिए एक एप्पल ले लिया, तो इसके पास अभी एप्पल्स की चॉइस कितनी बची, 4 बची, क्योंकि वो एक तो एक खा चुका, उसको तो ये ले नहीं सकता। तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके, जब आप इसके ऊपर जाते हो तो इसके केसेस डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, तो डिपेंड करने वाली कंडीशन को आपको स्किप करना है, अवॉइड करना है ऐसे केस को, ठीक है ना, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है इसने कितने खाए, 5 भी यही खा सकता है, 4 भी यही खा सकता है, 2 3 1, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप एप्पल को उठा के चलते हो कि ये एप्पल कितने बंदों के लिए अवेलेबल है, 4 के 4 बंदों के लिए अवेलेबल है, इस एप्पल को कौन खा सकता है, या तो ये या ये, तो इस एप्पल के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, 4 boys हैं, तो इस एप्पल के लिए आपके पास 4 boys अवेलेबल हैं। वापस से इस एप्पल के लिए आपके पास कितने बॉयज अवेलेबल हैं, 4, क्योंकि ये एप्पल अब इस पर डिपेंड नहीं करता कि ये किसी ने भी खाया हो, कोई मतलब नहीं है, ये किसी ने भी खाया हो कोई मतलब नहीं, हाँ इसको कौन खाएगा इस बात से मतलब है, ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, ये सभी से अलग है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट के केस को आपको रीड करते चलना है, आप आंसर के ऊपर सही जाके टिकेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही जाएगा आपका आंसर। तो आप ये देखिए, इस एप्पल के लिए कितने बॉयज अवेलेबल है, फिर से 4, और इस एप्पल के लिए कितने बॉयज अवेलेबल है, फिर से 4, इसके लिए भी फिर से 4, और इसके लिए भी फिर से 4। तो ऐसे करते करते आप एप्पल्स को देखेंगे और सभी के लिए 4 बॉयज अवेलेबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 raised to power 5 आपके पास क्या आ जाएंगे, केसेस आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जितने तरीके से आप 4 boys में 5 apples को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 raised to power 5 आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे स्टूडेंट्स उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes, आपके पास कितने प्राइज हैं, 4, बी गिवन टू 3 boys, उनको 3 boys में आपको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। व्हेन ए बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस, ये बंदा बोल रहा है कि आप एक बॉय को सभी प्राइज दे सकते हैं, यानी कि एक बच्चा सभी प्राइजेस के लिए एलिजिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बच्चे को 4 prizes मिल जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है, एक बच्चे को 3 भी मिल सकते हैं, दूसरे को 1 और बच्चे हुए को 1 भी ना मिले, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 4 prizes हैं, मैं प्राइजेस को ले रहा हूँ, मेरे पास 4 prizes हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, मेरे पास 4 prizes हैं, इन 4 prizes को मेरे को 3 boys में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 and 3, ठीक है ना। तब आप एक बात सोचिए, फिर से बच्चे का माइंड यही जाएगा कि 4 raised to power 3 आएगा या 3 raised to power 4 आएगा, ठीक है, आंसर 4 raised to power 3 आएगा या 3 raised to power 4 आएगा, मतलब इसी में कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने आपको बोला, जो चीज़ आपको बांटनी है डिस्ट्रीब्यूट करनी, उसको कंसिडर करके चलना, मैन को या फिर जिसको देनी उसको कंसिडर करके चलोगे तो आप गलत चले जाओगे। जैसे देखो मैं इसको उठा के चलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इस बंदे के लिए कितने प्राइस अवेलेबल है, टोटल प्राइस कितना आपके पास, 4, तो इस बंदे को देने के लिए हमारे पास, क्योंकि बच्चा ऐसे ही सोचता है, उसको सिखाया ऐसे ही जाता है, और मतलब एग्जैक्ट पता नहीं कर पाता कि कैसे सोचूं, या तो वो प्राइस उठा के चलेगा या ये ऐसे मैन उठा के चलेगा कि इस मैन के लिए, और वो अपने अकॉर्डिंग सही भी सोच रहा होता है, ठीक है ना, उसकी गलती भी नहीं होती। इस मैन के लिए कितने प्राइज़ या फिर इस बॉय के लिए कितने प्राइज़ अवेलेबल हैं, 4 prizes अवेलेबल हैं, यानी कि ये बॉय 4 prizes ले सकता है, 4 में से कोई भी, इसके पास 4 prizes अवेलेबल हैं, यानी कि 4 में से 1 भी ले सकता है, 2 भी 3 भी, 4 भी इसी के हो सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ये बंदा ऐसा बोलता ना कि हर एक बॉय को एक ही प्राइज़ मिलेगा तो आप ऐसे सोचते कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही जाते आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिक्स था कि इस बॉय को एक ही प्राइज़ मिलेगा, तो इस बॉय के पास चॉइसेस कितनी है, 4, उनमें से कोई भी एक इसको मिल सकता है, बात खत्म, ठीक है, दूसरे को भी एक
के मिलेगा, बात करो तीसरे को, मतलब आपके पास नंबर ऑफ वेज का तो पंगा ही था, तीन प्राइस मिलते इनको बस, सिंपल सी बात है। लेकिन इनसे बोला एक बॉय कितने भी प्राइस दे सकते, तो इसका ये तो नहीं पता कि इसने कितने प्राइस लिए, ठीक है ना, एक लिया, दो लिया, तीन लिए, चार लिए, नहीं पता ना। आप अगले के ऊपर जाओगे तो आपको नंबर ऑफ प्राइजेस अवेलेबल बच्चे कितने हैं अभी, क्योंकि वो प्राइज लेने के लिए सबसे पहले चला गया स्टेज के ऊपर, प्राइज लेने चढ़ गया, ठीक है ना। ये तो नहीं पता उसको कितने प्राइज मिले, वो एक लेगा, दो लेगा, तीन लेगा या चारों लेगा, तभी तो अगला जाएगा ना प्राइज लेने के लिए। प्राइज बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं उसी के बेस पे सोचेंगे ना कि इसके पास ये कितने प्राइज लेगा। तो आप इनको छोड़िए, बॉयज को छोड़िए, आप प्राइज पे आइए, आप ये देखना कि चार प्राइज आपके पास, जब मैं पहला प्राइज देने की बारी आएगी ना मेरी, मैं पहला प्राइज बच्चे को करूंगा अवार्ड रिवॉर्ड करने के लिए इसको जाऊंगा, तो वो प्राइस के लिए कितने बॉयज अवेलेबल है, मेरे पास तीन बॉयज अवेलेबल है, ठीक है ना। इस प्राइस के लिए कितने बॉयज हकदार हैं, तीन बॉयज हकदार हैं, ठीक है ना, इसको तीन बॉयज ले सकते हैं, तो इस प्राइस के लिए मेरे पास तीन बॉयज अवेलेबल है। दूसरी बात, इस प्राइस के लिए फिर से कितने बॉयज अवेलेबल है, तीनों के तीनों। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को प्राइस मिल चुका उसको अब दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं, बोला ही नहीं इसने, बोला है कि सारे के सारे बॉयज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस, ठीक है ना, कि इस किसी एक को सारे प्राइज मिल सकते हैं। तो जब दूसरे प्राइज की बारी आएगी तो मैं इसको तो स्किप कर ही नहीं सकता जिसको ये प्राइज मिल चुका, तीनों के तीनों फिर से काउंट होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कितने बंदे अवेलेबल हैं, तीन के तीन बॉयज अवेलेबल हैं, सेम एज इट इज, इसके लिए भी तीन बॉयज और इसके लिए भी तीन बॉयज। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to power 4 मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज एग्जैक्ट आंसर जो हमारा है, ठीक है ना, कि 3 raised to power 4 कितने 81 मेरे पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे, जितने वेज में मैं इन फोर प्राइजेस को इन थ्री बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो आप उस चीज को कंसिडर करके चलना जो बांटनी है या जो कहीं पर रखनी है, ठीक है ना, जितनी वो उठा, मतलब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, ऐसा थोड़ी मैन को उठा के चलोगे तो आप गलती करोगे। इंडिपेंडेंट केसेस बनाते चलना, डिपेंडेंट बनाओगे तो आप कंसिडर ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं सकते, पहले वाले का पता ही नहीं कि पहले वाला कितने ले गया, ठीक है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट हर चीज, अगर इंडिपेंडेंट चलेगी ना सिर्फ अपने लिए, तो उसको आप सोच सकते हो कि हाँ तू, तेरे पास कितने बॉयज अवेलेबल है, तीन बॉयज है, तेरे को इन बाकी प्राइस से कोई मतलब नहीं, किसी के पास भी जाए, हाँ तू इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा, तो तेरे पास तीन बॉयज है, ठीक है ना। तो ऐसे सोचो कि इंडिपेंडेंट केसेस बने, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ए बॉय हैज 3 पॉकेट्स, ठीक है, बॉय के पास कितनी पॉकेट्स हैं, 3। इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 6 मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स, ठीक है, उसको कितने मार्बल्स रखने हैं, 6 मार्बल्स रखने हैं, तो वो कितने तरीके से 6 मार्बल्स को 3 पॉकेट्स में रख सकता है, ठीक है ना। तो मैं 6 मार्बल्स ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मार्बल्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पॉकेट्स कितनी हैं, 3 पॉकेट्स हैं, मेरे पास पॉकेट्स हैं 3, मैंने ये पॉकेट्स बना ली, ठीक है, मेरे पास 3 पॉकेट्स हैं जिनके अंदर मेरे को किसको रखना है भाई, मार्बल्स को रखना है, ठीक है ना। तो मैं कितने तरीके से इन 3 पॉकेट्स में इन 6 मार्बल्स को रख सकता हूँ, तो वही फिर से बात, जिस चीज़ को बांटना है, जिस चीज़ को रखना है, उसी को कंसीडर करके चला। अगर आप जिसको देना है ना उसको कंसीडर करके चलोगे ना, तो आप मार खा जाओगे। जैसे मैं फिर से एक बार रिवर्स ऑर्डर लेके चलता हूँ, सोचता हूँ कि ये पहली पॉकेट है, इसके लिए कितने मार्बल्स अवेलेबल हैं, 6 मार्बल्स अवेलेबल हैं, तो 6 मार्बल्स अवेलेबल, तो इसके लिए कितने मार्बल्स अवेलेबल हैं, 6। दूसरी पॉकेट के लिए कितने मार्बल्स अवेलेबल हैं, बच्चा बोलेगा 6, कैसे हैं भाई 6, ये तो नहीं पता इसमें तूने डाल कितने दिए, इसके लिए तू कैसे सोच सकता है कि 6 के 6 अभी भी अवेलेबल है, ये नहीं पता ना कि इसके अंदर कितने जा चुके, क्या पता 6 के 6 जा चुके हों, क्या पता 5 गए हों, क्या पता 4 गए हों। तो ये इसमें मार्बल्स का डलना डिपेंड करता है इसके ऊपर कि यहाँ पे कितने डले थे, तभी तू उसमें डाल पाएगा, और तेरे को ये तो पता ही नहीं कि इसमें कितने डाले, तो तू यहाँ पे सोच ही नहीं सकता। ये इवेंट जो है ऐसे डिपेंडेंट है, हर सेकंड या फिर हर सेकंड जो पॉकेट है वो फर्स्ट पॉकेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर कितने मार्बल रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब मार्बल्स के ऊपर आ जाइए, पहला मार्बल जब आप उठाओगे तो आपके पास 3 पॉकेट्स दिखेंगे आपको डालने के लिए, आप किसी में भी डाल सकते हो। तो उस मार्बल के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, इस मार्बल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3। सेम एज इट इज दूसरे मार्बल के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3। वो पहला मार्बल किसी भी पॉकेट में गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसी पॉकेट में दूसरा मार्बल भी नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। तो दूसरा मार्बल फिर से उठाए तो फिर से कितनी पॉकेट दिख रही है, 3 की 3 पॉकेट दिख रही है, तो इसके लिए भी तीनों के तीनों पॉकेट अवेलेबल है। सेम एज इट इज तीसरे मार्बल के लिए तीनों पॉकेट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई, हर मार्बल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे मार्बल के साथ, ठीक है ना। तो ये भी इसके लिए भी कितने पॉकेट्स हैं, 3। इसके लिए भी 3 अवेलेबल है, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3 की 3 पॉकेट्स अवेलेबल हैं, किसी में भी डालो। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए, 3 raised to power 6 कितने आ गए, 3 raised to power 6 दैट इज 729। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज है 729 नंबर ऑफ वेज हैं, जितने वेज से आप इन 6 मार्बल्स को 3 पॉकेट्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट कि कैसे आप फिंगर्स एंड रिंग्स की प्रॉब्लम मार्बल्स और पॉकेट्स
की प्रॉब्लम और ऐसे बॉयज और एप्पल्स मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेंगे। आपको किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम मिले आप उसके साथ डील कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी मैं साथ साथ डालता रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कीजिए और हम आपको पता है 11th क्लास की मैथ्स की सभी प्रॉब्लम्स ए टू जेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम सोल्व करते चल रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी बच्चे को, अगर आपको भी है तो भी। और चैनल को शेयर कीजिए कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको मिलेगी, आप जाइए और देखिए। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।